हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा, हिमाचल के हितों का ध्यान रखा। पहले जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हमने पर्यटन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ बिठा दिया था और कहा था कि जो वहाँ गेस्ट ठहरे हैं किसी प्रकार का कोई नुकसान उन्हें ना हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद उसका फैसला आया और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा, हमने नामी वकील वहाँ खड़े किए, मुकुल रोहतगी जी, और मुझे खुशी है कि कल उसका फैसला आया है। और जो संपत्ति पिछले कई सालों से ओबराय ग्रुप्स के पास थी, उसको एक साल के भीतर उन्हें खाली करने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम उस संपत्ति में बैठकर सभी प्रकार के ऑप्शंस हमारे खुले हैं, जिससे सरकार को राजस्व मिले, सरकार को आय आए, उस दृष्टिकोण से हम आगे इस पर बात करेंगे।